नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण, आइए शुरुआत करती हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनपद मैनपुरी के विधानसभा किशनी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। यह जन्मदिन किशनी विधानसभा के तमाम नौजवानों महिलाओं ने बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में सबसे पहले गौतम बुद्ध की प्रतिमा को लगाया गया, उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और उसके बाद अन्य प्रतिमाओं को हंस गाड़ी में स्थापित किया गया। सबसे आगे विशाल डीजे, जॉकी इंडिया डीजे के नाम से जाना जाता है, जिसके पीछे हजारों की भीड़ झूमती नाचती हुई आगे बढ़ते हुए चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भीम आर्मी हकीकत में आज किशनी विधानसभा में चल रही हो। जो सपना बाबा साहेब ने कभी बहुत पहले देखा था, आज वह सपना साकार होते हुए इस भीड़ के माध्यम से दिखाई दे रहा है। सभी समाज के लोग एकजुट होकर बाबा साहेब के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। नगर भ्रमण कर रही थी कभी आरएसएस के नौजवान, शोभा यात्रा में मौजूद सभी लोगों के ऊपर गुलाब पुष्प वर्षा कर रहे थे। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपक पेंटर ने किया और उन्होंने बाबा साहेब के पावन पर्व पर अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर कार्यक्रम अध्यक्ष राधेलाल, मैनेजर जितेंद्र कुमार, सभासद दयानंद, पप्पू, विजय सिंह, नीरज सिंह, रामबाबू, रंजीत कुमार विश्राम, मनीष कुमार, अजय सिंह भास्कर आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं हम आपको ये पूरी रिपोर्ट। देखिए, मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज किशनी विधानसभा में भी जो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरे देश में ही नहीं बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में और बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत ही आज हम लोगों को जो मान सम्मान और वोट का अधिकार या राजनीति या आज हमारे लोग IAS IPS बनते हैं तो वो परम पूज्य बाबा साहब की वजह से बनते हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए किया, यहाँ पहले व्यवस्था ऐसी थी कि राजा रानी के पेट से पैदा होगा, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब धन्य हैं, इन्होंने ऐसी व्यवस्था यहाँ लागू कर दी कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अगर अब राजा बनेगा तो सर्व समाज के वोट से बनेगा। इसीलिए पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती पूरे महीने बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, उसी क्रम में आज किशनी विधानसभा में भी हजारों का जो हुजूम उमड़ा है इसी बात का संकेत है। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वें जन्मदिन के अवसर में हम नगर पंचायत किशनी के नगर पंचायत किशनी में बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष की तरह इस वर्ष में मैंने बहुत ही जोश और उल्लास के साथ मैंने मनाया है। जो भी किशनी नगर पंचायत में सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब के श्री चरण में उस पर माल्यार्पण करते हुए हम लोगों के यहाँ बाबा साहब के ऊपर विचार विमर्श करते हुए पूरे नगर का भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा निकालते हुए बहुत ही उत्साहवर्धन के साथ हमारे लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे समाज में करीब 2 से 3 हज़ार की संख्या में हमारे यहाँ लोग आए, सभी वर्गों के लोगों ने सम्मान किया, सहयोग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का। जय भीम। क्या नाम आपका? फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।